स्टार्ट फ्रॉम द एट्थ पार्ट। यहाँ पे फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और सेकेंड में जीरो दिया हुआ है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो आई वुड बी चेकिंग एट थ्री डिफरेंट पोजिशन। एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं, एक एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे चेक करते हैं, एक एक्स इज लेस देन जीरो पे चेक करेंगे। सो वेन इट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब फंक्शन हमारा क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अगर आप नोटिस करो तो फंक्शन ही हमारा कैसा है इस केस में, इफ इट इज जीरो, जीरो के इक्विवेलेंट ही है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी वुड बी चेकिंग द फंक्शन एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, दूसरी तरफ क्या रहेगा हमारा जीरो प्लस रहेगा। एक बार हम चेक करते हैं जीरो माइनस के केस में हमारा फंक्शन क्या रहेगा द फर्स्ट वन, और जीरो प्लस के केस में भी हमारा फंक्शन पहला वाला ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारी वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन इज देयर, और फंक्शन हमारा कैसा रहेगा यहाँ पे, इट वुड बी मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स इज देयर। लेकिन इससे पहले ना हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो लिखते हैं। तो एक्स की हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, जीरो माइनस एच, और फंक्शन क्या है हमारा इस केस में, इट इज मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट की एंड एक्स की एज वेल, जीरो माइनस एच इज देयर माइनस एच इज देयर, तो मॉड ऑफ माइनस एच इज एच, नीचे माइनस एच है तो आपके पास माइनस वन बनता है। सिमिलरली आई वुड बी चेकिंग एट राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, जीरो प्लस, एंड हियर इन दिस केस फंक्शन इज व्हाट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस इज द फंक्शन जीरो प्लस एच इज द, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एच की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। सो हियर इन द फंक्शन एच ओवर एच इज द, एच ओवर एच क्या हो जाएगा हमारा वन, तो दोनों साइड हमारे क्या हो गए अनइक्वल है, इसका मतलब दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स लेस देन जीरो का चेक करो, केस टू इज द, और हमारा केस टू में क्या है एट एक्स इज लेस देन जीरो, तो फंक्शन हमारा क्या माना जाएगा इस केस में, मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स इज द, एंड एक्स इज लेस देन जीरो इसका मतलब एक्स नेगेटिव है हमारा, तो वैल्यू क्या बनती है हमारे माइनस एक्स ओवर एक्स विच इज माइनस वन। सो दिस इज कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूस है, इसका मतलब एक्स लेस देन जीरो पे कंटिन्यूस रहेगा हमारा फंक्शन। सिमिलरली फॉर द लास्ट स्टेप जो हमारा क्या है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है जो थर्ड केस हमारा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन हमारा क्या है मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स, और एक्स पॉजिटिव है ना, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, सो एक्स ओवर एक्स इज वन, तो वन तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है इसका मतलब कंटिन्यूस है, सो एक्स विल बी बिलोंगिंग टू आर, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं कंटिन्यूस, लेकिन सिर्फ एक नहीं होगा, वो कौन सा है जीरो, क्योंकि अभी हमने चेक कर दिया था फर्स्ट केस में दोनों डिसकंटिन्यूस आ रहे थे, सो दैट्स वाई इट वुड बी आर माइनस